लखनऊ में सड़क जाम की व्यवस्था को परखने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी। खबर लखनऊ से है, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने किया अवध चौराहे का निरीक्षण। अवध चौराहे पर अक्सर देखने को मिल रही थी भारी जाम की समस्या। जेसीपी के निरीक्षण के दौरान डीसीपी ट्रैफिक एसीपी पीडब्ल्यूडी अधिकारी रहे मौजूद। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। लखनऊ में बहुखंडी आवासीय योजनाओं से नहीं उठाया गया घरेलू कूड़ा। 3 माह से वेतन न मिलने की वजह से रुका कूड़ा उठान, सफाई कर्मियों ने कहा। डीजल न मिल पाने की वजह से कर्मियों ने बंद किया कूड़ा उठान। बहुखंडी आवासीय योजनाओं से नहीं उठाया गया घरेलू कूड़ा। 3 माह से वेतन न मिलने की वजह से रुका कूड़ा उठान, सफाई कर्मियों ने कहा है। लखनऊ में युवती की हत्या कर शव को जलाने का हुआ प्रयास। ग्रामीणों ने खेत में जली हुई युवती का शव देख पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। हत्या, आत्महत्या या फिर हादसा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा। सैरपुर थाना क्षेत्र के स्थित सरौरा गांव का ये पूरा मामला है। लगभग सुबह 8 बजे सैरपुर पुलिस को सूचना मिलता है कि सरौरा गांव में एक प्लॉट में एक जला हुआ लड़की का लाश है। सूचना मिलने पर मौके पर हमारा पुलिस फोर्स पहुँचते हैं और कार्रवाई करना शुरू करते हैं। लड़की का चेहरा और बेसिकली अपर एब्डोमेन पे हमको लग रहा है कि दुपट्टा लगा के उसमें आग लगाया गया है और उनका पहचान छुपाने के लिए। बॉडी को हम लोग कानूनी कार्रवाई सब कंप्लीट करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाकी इन्फॉर्मेशन पोस्टमार्टम की बात ही हम लोग बता सकते। राजधानी लखनऊ के सैरपुर इलाके में एक युवती की हत्या कर उसको जलाने का मामला सामने आया है। इस वक्त की जो तस्वीर है वो तस्वीर उसी गांव की है जहां पर युवती की हत्या कर लाया गया और उसको एक खाली प्लाट में डालकर जला दिया गया। तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे होंगे। यहां पर अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आखिर ये युवती कौन थी, हत्या करके यहां पर क्यों लाया गया, अभी इस मामले में कुछ खास ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जिस तरीके से युवती यहां पर मिली थी, जिस तरीके से जली अवस्था में, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके दुपट्टे से ही उसका मुंह बंधा हुआ था और उसको आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल जिसका ये प्लाट है, सुबह जब यहाँ पर पहुंचा है, उसने प्लॉट में जब शव देखा तो उसने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, जांच के बाद और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हत्या की पुष्टि भी होगी और पूरे मामले की तफ्तीश की कार्रवाई भी तेज होगी। फिलहाल जिस तरीके से घटना हुई है, घटना के पीछे क्या कुछ राज है, ये खुलासे के बाद ही मालूम होगा। लखनऊ से मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी। लखनऊ में लोकसभा और निकाय चुनाव में महापुरुषों के जरिए माहौल बनाएगी बसपा। बसपा हर समाज के महापुरुषों की मनाएगी जयंती। तो निकाय चुनाव को लेकर बसपा की तैयारी। बसपा मुखिया मायावती ने सभी जोन कोऑर्डिनेटर को जारी किए निर्देश। बसपा के हर बूथ पर महापुरुषों की मनाई जाएगी जयंती। लोकसभा और निकाय चुनाव में महापुरुषों के जरिए माहौल बनाएगी बसपा। बसपा हर समाज के महापुरुषों की मनाएगी जयंती। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा की तैयारी। महापुरुषों की जयंती मनाकर बसपा अपनी तैयारी करे। बसपा मुखिया मायावती ने सभी जोन कोऑर्डिनेटर को जारी किया निर्देश। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, बसपा का अब नया रणनीति तैयार हो रहा है, महापुरुषों की जयंती मनाएगी। जी नंदनी, आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपने अलग अलग तरीकों से प्रचार प्रसार में व्यस्त है और लगातार अपनी पार्टी में जनाधार को लाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं,
तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अब एक अलग पैतरे को निकाय चुनाव में ला रही है। आपको बताएं कि निकाय चुनाव के अंदर में बीएसपी महापुरुषों के जरिए माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। अगर बात की जाए तो बसपा हर समाज के महापुरुषों की जयंती मनाने जा रही है। आने वाले जो भी जयंती है उसको बसपा बड़े धूमधाम से अलग अलग उत्तर प्रदेश के कोने हैं, वहां के प्रभारी हैं, तमाम जिलाध्यक्ष हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से महापुरुषों की जयंती मनाएगी। साथ ही आपको बताएं कि इसको लेकर जो जोन के कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि कैसे इस जो आगामी महापुरुषों की जयंती उसको कैसे मनाया जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के हर एक बूथों पर कहीं ना कहीं महापुरुषों की जयंती मनाते हुए आने वाले समय में दिखेगा। देखने वाली बात ये होगी कि इस पैतरे से बसपा को आगामी चुनाव में क्या लाभ मिलता है, वो आने वाला समय बताएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।